हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैंटासी ब्लास्टर्स में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, 24 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक महंगाई राहत कैंप चलाए जा रहे हैं। तो ये जो है, ये कैंप जो है वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में 2 दिन और कुछ कुछ पंचायतों में स्थिर हैं, जो कि 2 महीनों तक चलेंगे। तो आप अपने आसपास जो ग्राम पंचायत है वहाँ से आप पता कर सकते हैं कि इसकी डेट आपके यहाँ पर क्या है। कुछ ग्राम पंचायत में तो 2 दिन तक ये कैंप चलेंगे और कुछ पंचायत में जो है 2 महीने तक स्थिर रहेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है और साथ ही साथ आप किन किन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो जन आधार कार्ड आपका कंपलसरी होना चाहिए। और ये जन आधार कार्ड आप इस महंगाई राहत कैंप में लेके जाएंगे। और इसमें कंपलसरी नहीं है कि जिसका जन आधार कार्ड है उससे जाना ही है, उस फैमिली का कोई मेंबर भी वहाँ पर जा सकता है। इस कैंप की टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगी प्रत्येक शिविर में। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी इसमें योजनाएं शामिल की गई है। तो सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इस योजना के तहत आपको यहाँ पर 1 किलो चीनी का पैकेट और उसके साथ नमक, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको वहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिल जाएगा। मैं एक बार शॉर्ट में आपको ये सारी योजनाएं बता देता हूँ। सेकंड है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इसके अंतर्गत शहर में जो निवास करने वाले परिवार हैं उनको 100 दिन का जो है रोज़गार उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। पहले जो है वो पेंशन लगभग 500 और 750 रुपये मिलती थी, लेकिन इसमें आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको पेंशन के जो है 1000 रुपये मिलेंगे। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके साथ है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। इसके अंतर्गत आपकी दुधारू पशु जो है जिसमें गाय को सम्मिलित किया गया है, तो यदि उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उस पर आपको 40,000 रुपये का बीमा मिलेगा। और ये सिर्फ 2 पशुओं के लिए ही है, मीन्स आपके अगर 2 गाय है तो उसके लिए आप एलिजिबल है। अगर आप 3 गाय है और 3 गाय आपकी मर जाती है तो उसमें आपको सिर्फ 2 पशुओं का ही बीमा होगा, जिसमें 40,000 रुपये पर पशु है। तो ये भी आप देख सकते हैं। उसके बाद है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके अंतर्गत आपको पहले जो है 10 लाख रुपए का बीमा था, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। यदि आपको कोई बीमारी हो जाती है तो इसमें आपको 25 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो किया जा सकता है। उसके बाद है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसके अंतर्गत पहले अगर आपने 100 दिन का रोज़गार पूर्ण कर लिया है तो उसके बाद सरकार आपको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोज़गार और देगी। उसके अलावा सहरिया, कथोड़ी और विशेष योग्यजन है उनको 100 दिन का अतिरिक्त रोज़गार मिलेगा। इसके लिए आपको जॉब कार्ड जो है वो आप पर लेकर जाना है। देन आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। इसके अंतर्गत यदि आपके कृषि का कनेक्शन है लाइट बिल, तो उस पर आपको 2000 यूनिट तक अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और 2000 यूनिट से ऊपर अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो उसका पेमेंट आपको करना होगा। देन है मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना। ये सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है। इसमें 100 यूनिट तक अगर आप बिजली उपभोग करते हैं तो वो बिल्कुल आपके लिए निःशुल्क है, लेकिन 100 यूनिट से ऊपर होने पे उसका पेमेंट आपको करना होगा। इसके लिए आपको जो आपका बिजली बिल है वो वहाँ लेकर जाना है। देन है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। अगर आपकी किसी भी दुर्घटना में आकस्मिक मौत हो जाती है तो उसमें आपको 10 लाख रुपये का बीमा यहाँ पर किया जाएगा। देन नेक्स्ट है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। इस योजना के अंतर्गत आपको 1150 रुपये का जो सिलेंडर मिल रहा था वो सिर्फ 500 रुपये में मिल जाएगा। तो आपको जो अपना गैस कनेक्शन की जो डायरी है वो वहाँ पर लेकर जानी है। बीपीएल परिवार वालों को ये लाभ मिलेगा। इन योजनाओं में से 5 योजनाएँ ऐसी है जो सिर्फ जन आधार से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी। और एक्स्ट्रा आपको क्या क्या चीज़ ले जानी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको अपने अगर कृषि कनेक्शन है तो उसका बिल ले जाना है, और जो नॉर्मल आपका घरेलू बिल है वो भी लेके जाना है। और अगर आप गैस सिलेंडर का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डायरी ले जानी है आपकी गैस कनेक्शन वाली। और अगर आप नरेगा में या कहीं रोज़गार प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जो जॉब कार्ड प्रोवाइड किया गया है वो आपको लेके जाना है। तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने हैं। और जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि जिनका जन आधार कार्ड है उनको आना कंपलसरी नहीं है, कोई और भी उनका कार्ड लेकर आ सकता है। तो ये था आज की वीडियो में। अगर आपको कुछ और भी कंफ्यूजन लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको आंसर दे दूंगा।
तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।